हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एडवाइस में। मैं विलियस। दोस्तों, ओप्पो ने पिछले कुछ सालों में इंडियन मार्केट को देखते हुए मिड और बजट रेंज के स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं और अभी भी कर रहा है। ओप्पो ने हाल ही में ओप्पो F5s को भारत में दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन को 2GB 32GB और 4GB 64GB वेरियंट में लॉन्च किया गया है। तो आइए जानते हैं ओप्पो F5s के मेन फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। ओप्पो F5s के फीचर्स की बात करें तो इस वाटर ड्रॉप नोच वाले 6.2 इंच HD प्लस डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया है। डिस्प्ले का रिजोल्यूशन 720x1520 पिक्सल और एस्पेक्ट रेशियो 19:9 दिया गया है। अगर हम इसके OS और प्रोसेसर की बात करें तो ये फोन एंड्रॉइड पाई बेस्ड कलर OS पर काम करता है और इसमें मीडिया टेक का हेलियो P35 प्रोसेसर दिया गया है। फोन के कैमरे के फीचर्स की बात करें तो इसमें 13+2 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन के सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। अगर हम इसकी बैटरी की बात करते हैं तो फोन को पावर देने के लिए 4230mAh की बैटरी दी गई है। अब आ जाते हैं इसकी प्राइस पर। ओप्पो F5s के 2GB 32GB वेरिएंट को भारत में 9,990 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। ये वेरिएंट दो कलर ऑप्शंस ब्लैक और रेड में अवेलेबल है। फोन के 4GB और 64GB वेरिएंट की प्राइस के बारे में कंपनी ने फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया है। तो दोस्तों, अगर आप ओप्पो के फैन और अगर आपका बजट है 10,000 तक का, तो ओप्पो F5s आपके लिए एक बेहतर फ़ोन है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए।